I saw you. Yeah. What I have to say about this festival? What I'm very, very happy being here and interacting with the students because Happy Hadi and he releases on the 31st of Jan, and they have made the music so popular that we are doing these concerts all over India, and we are getting such a beautiful response to the songs even before the trailer has come out. So after a long time, by the grace of God, film's music has really reached the heartland of India, and songs like Teri Meri Kahani or Aashiqui Mein Teri or Heere or Cutie Pie and TikTok, the new song which has not even come. I mean, people are reacting to the songs, and you saw those songs, the way they were reacting to those songs. So I'm really happy that the producer of the film, Deepshikha Deshmukh, and our music company has really, the Tips, has given us the opportunity to release the music before the trailer, which is not, aajkal aisa hota nahi hai ki trailer baad mein aata hai aur music pehle aata hai, because ek love story hai. और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है कि हरप्रीत सिंह लांबा का फ्रेंड जोन हो गया है. तो आप ज़िंदगी में देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होती है जहाँ पे वो आपको एक फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करती है, बट नॉट एज अ बॉयफ्रेंड. एंड वही हरप्रीत सिंह लांबा यानी हैप्पी के जो किरदार में, जो सरदार का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, उसके साथ होता है. एंड देन शी हीर जो है, हमारी हीरोइन जो है, सोनिया मान प्ले कर रही है, जिसको हम ट्रेलर पर मीडिया के सामने ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे. और वो शी फॉल्स इन लव विद हार्डी, एंड वेदर शी कम्स बैक टू द friend zone guy Happy or she moves on with Hardy is the love story. But it's a very, very sensitively made love story and very beautifully shot in Scotland. And ek desi bando ki kahani hai bahut, aur love story ke liye music jo hai bahut integral part play karta hai, because humne dekha hai ki pehle jo bahut achhi great love stories aati thi, whether it was Tere Naam or Hum Dil De Chuke Sanam, Sajan Dil Ke Manta Nahi, they had music which was very popular before the release. तो वही स्ट्रैटेजी हमने अपनाई है कि भाई हैप्पी आरडी हीर के कनेक्ट के लिए ये गाने रिलीज से पहले पॉपुलर हों, जो अब हुए हैं, जिसकी वजह से हमने ये कॉन्सर्ट्स किया. और आज यहाँ आकर वो जो वन टू वन कनेक्शन रहा कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ स्टूडेंट्स का, दैट दे आर रिएक्टिंग सो पॉजिटिवली. एंड नाउ वी आर वेरी हैप्पी, वेरी सून विल बी आउट विद द ट्रेलर, एंड 31st जैन को पिक्चर आ जाएगी. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ डबल रोल, एंड ये मेरी 10वीं फिल्म है एज एन एक्टर. एंड हर फिल्म में मेरा एक ग्रोथ आपने देखा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आप देख ही रहे हैं. बट क्योंकि एक्सपोज में मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले और अब उसका सीक्वल बनने जा रहा है अगले साल, तो एक लव स्टोरी मैंने कभी नहीं की, हमेशा एक थ्रिलर किया है एज एन एक्टर. तो आई वॉन्ट टू डू अ लव स्टोरी, बिकॉज आपका सुरूर एल्बम में एक जो मेरा किरदार था वो एक वॉज अ मैन इन लव, एंड कहीं ना कहीं एक प्योर लव स्टोरी मैंने अपनी फिल्मों में नहीं की थी, वेदर इट वॉज अ कॉमेडी और थ्रिलर किया था. सो आई वॉन्ट टू डू अ लव स्टोरी, एंड द स्क्रीन प्ले हैज़ बीन डन बाई माई वाइफ, डायलॉग्स आर बाई बंटी राठौड़, जो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट थी. इसके लिए एक दो साल इस कैरेक्टर में, वेदर सरदार के हरप्रीत सिंह लांबा हो या हर्षवर्धन भट्ट हो, जो एक गुजराती कैरेक्टर है हार्डी का, NRI गुजराती बिजनेसमैन का, तो उसके लिए वो वर्कशॉप्स किए कि वो किरदार में कभी आपको एक हिमेश रेशमिया द म्यूज़िक स्टार ना दिखे, बल्कि वो एक्टर दिखे. और इसके लिए एक जो मेहनत होनी चाहिए, बिकॉज आज मुझे कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बीइंग अ म्यूज़िक स्टार हमेशा मिला है, एंड दिस इज़ माई 10th फिल्म एज एन एक्टर. सो आई हैड टू गो टू दैट नेक्स्ट लेवल, जो एक एक्टर के लिए एक गेम चेंजर फिल्म होती है. एंड मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है कि उस किरदार के छोटे से छोटे न्यूएंसेस को मैं बहुत अच्छी तरह निभा सकूं. एंड एक डबल रोल है, बहुत चैलेंजिंग रोल है, एक लव स्टोरी है, और कहीं ना कहीं एक लोगों का ये मानना होता है कि भाई म्यूज़िक स्टार्स हमारे हिंदुस्तान में उतने बड़े एक्टर्स नहीं बन सकते. तो मेरे लिए ये बात है कि भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट वन गेम चेंजर फ्राइडे, विच इज़ दिस फिल्म. जैसे कहीं ना कहीं, जैसे अमित जी के लिए जंजीर साबित हुई थी, शाहिद के लिए कबीर सिंह ने एक गेम चेंजर होने का जो वो किया था, उसके लिए आपको अपनी मेहनत होती है, किस्मत होती है. सो आई हैव रियली वर्कड हार्ड, ना वो बाकी किस्मत के ऊपर है, बट आई एम वेरी पर्सनली हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड द लव स्टोरी ऑफ द फिल्म. जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड जोन किया गया है, पर्सनल लाइफ में आपको
मुझे फ्रेंड जोन नहीं किया गया, लेकिन येस डेफिनेटली हार्डी के किरदार से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ. लेकिन हरप्रीत सिंह लांबा जो हैप्पी है उस किरदार में, जो हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका उनकी बेस्ट फ्रेंड ने फ्रेंड जोन कर दिया था, और मैंने उनकी तड़प देखी है उनकी दोस्त के लिए, और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाद में आया. और वो ट्विस्ट क्या है, कहीं ना कहीं ये कहानी उसी दोस्त की पर्सनल लाइफ पे आधारित है कि, और जब आप फ्रेंड जोन होते हो, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, लेकिन वो आपको एक दोस्त की वाइब देती है, तो वो तड़प बहुत बहुत मुश्किल होती है सहना. बट आपकी सच्ची मोहब्बत क्या आपकी के दोस्त को जीत सकती है, या आपको वो सैक्रिफाइस करके मूव ऑन करना पड़ेगा, यही कहानी है हैप्पी हार्डी एंड हीर की. ओके, जैसे आपने गाने बनाए हैं, वैसे आपने एक स्टार को बनाया है रानू मॉडल, जिसे वो लोग ट्रोल करे जा रहे हैं, ट्रोल करे जा रहे हैं. कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जब से वो स्टार बनी है तब से उनका एटीट्यूड चेंज हो चुका है. क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा एक्चुअली मुझे जो ये जो सेल्फी वाला जो इंसिडेंट हुआ था, वो बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, बट मुझे ऑलवेज ये लगता है कि आई थिंक द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन विल बी रानू जी, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी बैक स्टोरी क्या है, उन्होंने क्यों ऐसा किया, और किया तो क्यों किया, कहीं ना कहीं बिकॉज आज यू नो मैं इट्स लाइक कि मैं आपको ऋतिक रोशन जी के लिए कोई सवाल पूछूँ तो आप कैसे जवाब देंगे. तो मेरा वो ये है कि मैं क्या कैसे उनके बिहाफ पे जो मैं जवाब दूँ वो ठीक नहीं है. तो कहीं ना कहीं मैं ऑलवेज़ ये समझता हूँ कि मीडिया को रानू जी को पूछना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ. देखिए, ये मेरा आंसर कुछ भी देना रॉन्ग हो जाएगा. आप कहीं ना कहीं समझिए, मेरी स्थिति ऐसी है कि मैंने बहुत लोगों को ब्रेक दिया है, तो कहीं ना कहीं अब जैसे दर्शन रावल ने खींच मेरी फ़ोटो में, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, आकाशा को इंट्रोड्यूस किया, प्रेम रतन धन पायो में अपनी पलक को किया, बट उनकी ज़िंदगी में अगर कुछ कोई होगा तो वो मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ. तो ये मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे लिए बनता नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. थैंक यू सो मच. हाँ हाँ जी जी ज़रूर. तेरी मेरी कहानी, आशिकी में तेरी जाएगी जा मेरी, ओ आशिकी में तेरी जाएगी जा मेरी, दे दे दिल आशिकी में है कसम है मेरी, ओ आशिकी में तेरी जाएगी जा मेरी, जब आई टू आई तेरे संग जुड़ दी, जब टिक टॉक तू चल दी, हाय कलेजे विच डुगी वजदी, मेरे दिल का बंगला कर लो ऑक्यूपाई, क्यूरी पाई क्यूटी पाई, तुम ना मिले तो I will die. Rap, cutie pie, cutie pie, cutie pie, cutie pie. हीरिये मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सर फेरा फसाना, है इश्क मेरा सर फेरा फसाना. हीरिये मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सर फेरा फसाना. Thank you. Thank you so much.